Hello friends, as a student or as an educated person, we all know what is the importance of interview. Okay, interview ki kya importance hai? Theek hai? Agar hum log ko kahin par job achieve karni hai, ya hume kisi reputed college mein study karni hai, to hume interview se go through hona hota hai. Hume interview ko successfully crack karna hota hai. Theek hai? To interview ki isi importance ko samajhte hue, theek hai? Main yahan par ek video lekar aaya hoon, how to crack interview. Okay? तो यहां पर मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा. अगर उन 10 पॉइंट्स को आप सक्सेसफुली फॉलो कर पाते हैं तो आप इंटरव्यू जरूर क्रैक कर पाएंगे या बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में. ओके, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के लिए वो है आपका बिफोर इंटरव्यू, दैट इज सीवी. जो आपकी सीवी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंटरव्यू के लिए. क्यों? देखिए, क्योंकि अपनी सीवी में ही आप अपने लाइफ की जो भी अचीवमेंट है, लाइफ में आपने जो भी किया है अभी तक, ठीक है ना, इंटरव्यू में जाने से पहले आपने लाइफ में जो भी किया है वो आप ब्रीफली लिख देते हैं अपनी सीवी में, ठीक है ना. इंटरव्यूअर सबसे पहले आपकी सीवी ही देखता है, ठीक है. तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप अपनी सीवी बनाएं तो आप राइट जो करें उसमें वो टू द पॉइंट करें, ठीक है ना, राइट टू द पॉइंट. क्लियर है? आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है ना. आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें मत डाल दीजिए सीवी में, ठीक है ना. बिल्कुल ब्रीफ होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 3 to 4 पेज की सीवी बना दिए. जो आइडियल सीवी होती है वो आपकी 1.5 to 2 पेजेस की ही होती है, ठीक है ना. तो उससे ज्यादा आप कोशिश करिए कि आप सीवी को ना बनाएं, ठीक है. 1.5 to 2 पेज ये आपका सीवी होना चाहिए, ठीक है. इसके अलावा आप सीवी में जो भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू हैव रिटन इन योर सीवी. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्चुअल में, ठीक है. कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें अपनी सीवी में लिख देते हैं अपनी सीवी को थोड़ा हैवी बनाने के लिए जो हमने कभी की ही नहीं होती है, और जब उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हम इतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं और हम रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना. तो एटलीस्ट जो भी आपने सीवी में लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, विथ एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, ठीक है ना. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? जैसे अगर आपने ट्रेनिंग लिखा है कि आपने यहां से ट्रेनिंग की है, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग के बारे में फिर एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि आपने 2 months की ट्रेनिंग में सपोज करिए क्या क्या किया, वहां पर आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने वहां पर सीखी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? या किसी स्पोर्ट्स में आपने कभी कोई मेडल अचीव किया है तो आपको उस स्पोर्ट्स का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए. फिर तो जो भी आप सीवी में लिखें उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है ना. अभी तक मैं इंटरव्यू में पहुंचा नहीं हूं, अभी ये इंटरव्यू में जाने से पहले की प्रिपरेशन है आपकी. ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये जो आपका सीवी है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ही आपको शो करता है, ठीक है ना. क्लियर? नाउ सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए वो होता है, फिर से इंटरव्यू में जाने से पहले ही का ही ये पॉइंट है आपके लिए, ब्रीफ स्टडी. ओके, किस चीज की ब्रीफ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? ब्रीफ स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जब भी आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन की ब्रीफ स्टडी कर लीजिए जाने से पहले, ठीक है ना. आप ये स्टडी कर लीजिए कि उसके डायरेक्टर कौन है, किस तरह का वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन, कब से है ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से प्रोजेक्ट रनिंग है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना. उस ऑर्गेनाइजेशन के अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट रनिंग है, उनका वर्क क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट अभी कितने कंप्लीशन हुए हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो. ऑब्वियस सी बात है कि सारी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगी. जितनी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई अवार्ड वगैरह मिला है क्या, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ब्रीफ स्टडी कर लीजिए, ठीक है ना. ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का वर्क कल्चर है, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं इन चीजों के लिए. अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत बड़ी है तो आपको गूगल के थ्रू भी काफी नॉलेज मिल जाएगा. ये सारी चीजें अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, ठीक है. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए, सीवी का और ब्रीफ स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन का, ये दोनों पॉइंट आपको इंटरव्यू में जाने से पहले हर हाल में पता होने चाहिए. क्लियर है अच्छे से? नाउ
अब मैं आता हूं इंटरव्यू में, ठीक है? जब आप इंटरव्यू देने पहुंच गए, तब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहां डिस्कस करूंगा आपके लिए वो है मैनर्स, ठीक है? मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ओके? ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, बिना नॉलेज के आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? बट मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है ना, आप रूम में एंटर करते हैं, ठीक है, तो जब तक आपको बैठने के लिए ना बोला जाए आप कभी ना बैठिए, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिटिंग। आप जब तक ना बैठिए जब तक आपको कोई बोले ना बैठने के लिए, ठीक है? या अगर कोई बोल नहीं रहा है तो आप प्रॉपर परमिशन लीजिए, ठीक है ना? क्या मैं बैठ सकता हूं? क्लियर है पॉइंट? नाउ, अब यहां पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप जाते ही सबसे पहले विश करिए सबको, ठीक है ना? गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप हर एक किसी को विश करिए वहां पर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है? और जो नेक्स्ट पॉइंट है मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज में, वो है आपका, सपोज करिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप सबसे आई कांटेक्ट बना के चलिए, ठीक है ना? जो आपसे पूछा है उनसे आप ज्यादा बनाइए, लेकिन बाकियों को भी आप देखते रहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो आपको सबसे आई कांटेक्ट बनाते हुए ही अपना आंसर देना है, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ, उसके बाद सपोज करिए अगर आपको कहा जाता है, सामने कोई बोर्ड होगा, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होगा, आपको कहा जाता है कि उस व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में आप कुछ ग्राफ बना दीजिए या कुछ भी आप लिखिए, जो भी आपको कहा जाता है, तो जब आप लिख लेते हैं और जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, उन्होंने कह दिया है आपको कि आप आके बैठ जाइए, तो बैठने से पहले आप जरूर बोर्ड को क्लीन कर दीजिए, ठीक है ना? ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है। आप सोच रहे होंगे मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, एक्चुअली इन्हीं छोटे पॉइंट्स पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, और ये पॉइंट्स ही हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है ना? ये आपका मैनर्स शो करता है, ठीक है ना? ये क्या शो करता है बेसिकली, कि आपने बोर्ड में कुछ लिखा, ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ही उसे क्लीन करिए। इसका मीनिंग क्या है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना? वो ऑटोमेटिक शो हो गया आपके लिए कि जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आप अपने काम खुद ही करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, ये एटीट्यूड आपका शो होगा वहां पर, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो जब भी आप को कुछ भी लिखने को कहा जाए तो बोर्ड क्लीन जरूर करिएगा लास्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नेक्स्ट होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी मैं हेडिंग में लिख चुका हूं, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्रॉस करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना? आपके हैंड्स प्रॉपर होने चाहिए। जो भी बॉडी लैंग्वेज, जो भी एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिविटी शो करती है, उसी बॉडी लैंग्वेज को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, आपके हाथ ऐसे श्रिंक नहीं करने चाहिए, क्लियर है पॉइंट? तो नर्वस नहीं होना है, कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है और नर्वस नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है ना? अगर आप नर्वसनेस शो करेंगे या आप रिलैक्स नहीं रहेंगे या आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पर दिख जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे इस चीज को, 4 से 5 लोगों का पैनल होता है वहां पर। वो क्यों होता है कभी आपने सोचा है? उसमें से एक या दो लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, ठीक है ना? वो हमेशा आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कहीं नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको नहीं पता है तो आपका रिएक्शन क्या है, ठीक है, आप कहीं फेक आंसर तो नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है? यही उनका काम होता है और वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी कारण वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट पर होंगे, आपको हमेशा ये बात समझनी होगी, ठीक है ना? तो अगर आप कुछ भी रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना, या बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर वो शो हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे किसी भी सिचुएशन में, तो ये भी आपका एक एटीट्यूड शो होगा ना कि जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगी आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में घबरा गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स पे तो जरूर घबरा जाएंगे कंपनी में, क्लियर है पॉइंट? ये बात वो कभी नहीं समझेंगे कि आपके लिए इंटरव्यू
कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो अपनी कंपनी के बारे में सोचेंगे, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। क्लियर है अच्छे से? तो आपको पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है, नर्वस नहीं होना है वहां पर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे लिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनर्स से रिलेटेड, वो है आपका आर्गुमेंट। आप कभी भी आर्गुमेंट मत करिए, ठीक है, बिल्कुल आपको पोलाइट रहना है वहां पर। सपोज करिए आपने कभी कोई आंसर दिया और आपको पता है कि आपका आंसर 100% सही है, ठीक है ना, सामने जो इंटरव्यूअर है वो बोल रहा है आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। हो सकता है वो जानबूझ के बोल रहे हो, वो चेक करना चाहते हो कि आप किस तरह से रिप्लाई करते हैं अगर कोई आपको गलत बोल दे तो, ठीक है ना, ये भी आपका एक क्वालिटी शो करेगा। अगर आप इस चीज को पोलाइटली बोलेंगे, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई थिंक दैट आंसर इज राइट, ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है ना, वाई आई एम सेइंग दैट आंसर इज राइट, ओके। आप बकायदा परमिशन लीजिए उनसे, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है ना, वो आपकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई गलत बोले तो आपका रिएक्शन क्या होता है। अगर आप बोल दें वहां पर कि नहीं सर मैं बिल्कुल सही हूं, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी क्वालिटी बैड क्वालिटी शो होगी ना, क्योंकि वो आपके सीनियर्स हैं, आपसे बहुत ज्यादा ऊपर की पोजीशन पे हैं, रेस्पेक्टेड पोजीशन पर हैं, ठीक है, तो अपने सीनियर की हमें रिस्पेक्ट भी करनी है। अगर वो गलत हैं तब भी हमें उन्हें रिस्पेक्ट करते हुए उस चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि सर मैं ऐसा सोचता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पॉइंट्स को मत रखिए, ये भी एक बैड क्वालिटी है, आपको अपना पॉइंट्स रखना है बट विथ रिस्पेक्ट। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है इस मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट में, वो ये है कि जब आप जा रहे हो इंटरव्यू से, ठीक है, तो आपने जो चेयर यूज की है अपने बैठने के लिए, ठीक है ना, उसको वापस से उसी पोजीशन पर रख के जाइए, ठीक है ना। आपने पोजीशन चेंज की होगी चेयर की, ठीक है ना, आपने शायद अब सामने की तरफ खींचा हो या पीछे की तरफ खींचा हो, तो उसे आप वापस से उसी पोजीशन पे करके जाइए। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका मैनर्स शो करता है, जो आपको हर हाल में फॉलो करना चाहिए इन केस ऑफ इंटरव्यू, ओके। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से ये, ठीक है ना, नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉलेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर फोर, तो पॉइंट नंबर फोर जो है आपका वो क्या है, पॉइंट नंबर फोर के अंदर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। जैसे ही आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले शायद इंटरव्यूअर आपको ये बोल दे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके। तो एक पॉइंट तो आप पहले अपने हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि आपको ना चीजें ऐसे रट के नहीं जानी है, ठीक है ना। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को चार चार छः छः दिन पहले से अपने घर में दोहराते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से वो ऐसा लगेगा कि आप पूरा का पूरा रट के बोल रहे हैं वहां पर, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाती है उस कारण से। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, सेंटेंसेस खुद ब खुद ऑटोमेटिक उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में आपके दिमाग से निकलने चाहिए, जो आप सोचते हैं अरे खुद को ही तो इंट्रोड्यूस करना है ना, उसके लिए रटना क्यों है। अगर आप बकायदा सोच सोच के बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, तो वहां पर ये बात शो होगी कि आप रट के नहीं आए हैं, आप बकायदा आंसर कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है कभी भी, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आप पॉइंट्स दिमाग में रख सकते हैं अपने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट्स ही सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में रखने हैं, उसके अलावा आपको रट के नहीं आना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में कोशिश करिए कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई अचीवमेंट है, ठीक है, या ऐसी कोई बात है जो आप वहां पर बोलें, तो इंटरव्यूअर का ध्यान उस तरफ जाए, ठीक है ना। कुछ नई चीज जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि अरे मुझे इस बारे में जानना है, तो उस पॉइंट को आप जरूर हाईलाइट कर दीजिए इंट्रोडक्शन में। क्यों? उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर जो है
सबसे पहले क्वेश्चन उसी पॉइंट से पूछेगा, क्योंकि उसे खुद को जानने की इच्छा होगी ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इंटरव्यू को आप अपने हिसाब से फिर चला पाएंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर 15 मिनट का टाइम सेट किया होगा तो वो आपका 2 घंटे ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको बहुत सारे इंटरव्यू लेने होते हैं, हो सकता है आपका 15 मिनट्स की जगह 20 मिनट्स चल जाए, या अगर उन्होंने हाफ एन आवर का टाइम सेट किया है तो 35 मिनट्स चल जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उन्हें उस पॉइंट्स की तरफ ले जाएं जो आपको अच्छे से आता है, तो फिर आपकी चांसेस बहुत अच्छी बन जाती हैं इंटरव्यू क्रैक करने की, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर इंटरव्यूअर अपने आप से ही सारे क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं या जो नॉलेज है या जो कंसेप्ट है ना, वो इन्फिनिटी है, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर चीज का आंसर नहीं पता हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा एक सक्सेसफुल इंटरव्यू की स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स उनके सामने रख दें, ठीक है, कि इंटरव्यूअर उसी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी कोई ऐसा पॉइंट ना बोलिए, जैसे जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट बोला उसी से रिलेटेड है ये पॉइंट, ऐसा मत बोलिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, या जो आप है नहीं। जैसे सपोज करिए आपने बोला कि आई एम वेरी वेरी पंक्चुअल, ठीक है, तो पंक्चुअल वर्ड आपने यूज कर दिया, बहुत हैवी वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने यूज कर दिया आई एम वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, ये सारे वर्ड आप यूज कर दिए, ठीक है, वहां पर अपने इंट्रोडक्शन को हैवी बनाने के लिए, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, गिव द एग्जाम्पल हाउ यू आर सो पंक्चुअल, ठीक है ना, आप प्रूफ करिए इस बात को, ठीक है। तो अगर आप उस समय कोई भी एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे या पहले से रट के आ रहेंगे, तो वो पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या फेक है, ठीक है। तो हमेशा उन्हीं पॉइंट्स को ही रखिए जो आप वाकई में हैं, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो आपको ये बात समझनी होगी कि वहां पर आपको फेक नहीं बनना है, अपने इंट्रोडक्शन में कोई फेक पॉइंट्स नहीं बोलने हैं जॉब पाने के लिए, एक्चुअल में उससे जॉब कभी नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आप हैं आप सिर्फ वही रहिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी, ठीक है। नॉलेज चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, वो आपको होना ही चाहिए आपके पास, क्लियर है पॉइंट। तो आप कोई भी ऐसा पॉइंट मत बोलिए, कोई भी फेक पॉइंट मत बोलिए, ठीक है ना, जो आपने कभी किया नहीं है या जो आप हैं नहीं, ठीक है। आपके पास अगर नॉलेज बहुत भी अच्छा हुआ उसके बावजूद भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप फेक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो ये है कि आप कभी भी अपनी वीकनेस हाईलाइट मत करिए, ठीक है ना, आप अपनी वीकनेस मत बताइए इंट्रोडक्शन के अंदर, जब आपसे पूछा जाएगा तभी आप बोलिए, ठीक है, वीकनेस। और एक चीज और है, हॉबी भी अपने आप से मत बताइए अनटिल अनलेस आपकी हॉबी कुछ इस तरीके की हो जिसमें से आप इंटरव्यूअर को मजबूर कर दे एक तरह से कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, तो आप जरूर बताइए, ठीक है ना। और वाकई आपकी हॉबी वो होनी चाहिए ना, आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए फिर, ठीक है, तब वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि इंटरव्यूअर फिर आपकी उस हॉबी से क्वेश्चन पूछे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लिखने को या बोलने को बोल रहे हैं कि मेरी हॉबी ये है या वीकनेस ये है, तो मत बोलिए इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखिए, इंट्रोडक्शन एक्चुअल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो सिर्फ एक बार ही आपको मौका देता है कि आप अपने आप से कुछ बोलिए, उसके बाद तो उसी के हिसाब से आपको सब कुछ बोलना होता है, तो उस मौके को कभी खोना नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, उस मौके का हमें 100% यूज करना चाहिए, क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे ही पॉइंट्स रखने हैं जिसके सहारे आपका पूरा इंटरव्यू सक्सेसफुली निकल जाए, क्लियर है। तो वीकनेस हॉबी को, अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है हॉबी, वीकनेस तो बिल्कुल मत बोलिए, और अगर हॉबी स्ट्रांग नहीं है तो उसे इंट्रोडक्शन में कभी भी मेंशन मत करिए, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव होता है जिसमें बहुत लोग परेशान होते हैं एक्चुअल में, वो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। इसमें होता क्या है कई बार कि सपोज करिए आपका इंटरव्यू बिल्कुल प्योर इंग्लिश में चल रहा है, ठीक है, पर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आपको अगर समझ नहीं आती इंग्लिश, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं तब भी बहुत ओके है, क्योंकि नॉलेज सब कुछ होता है, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अब नो डाउट अगर आपकी जॉब ही ऐसी है जहां पर सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए, तो उस केस में तो फिर आप एप्लीकेबल ही नहीं है उस जॉब के लिए, लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां नॉलेज की इंपॉर्टेंस है
और इंटरव्यू में अगर आपको इंग्लिश परेशान कर रही है, आप इंग्लिश में ढंग से आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, और आप अपनी चीजों को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप या तो उनसे परमिशन ले लीजिए इंटरव्यूअर से कि सर कैन आई मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, ओके, और आप मिक्स करके बोल दीजिए, या तो आप ऑटोमेटिक खुद से ही हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके कुछ सेंटेंसेस बोलते चलिए, ठीक है ना। एक दो सेंटेंस आपके अगर सही चले गए वहां पर तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा और आप अच्छे से आंसर करने लगेंगे, ठीक है ना। एक बात को बस हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी चीज का आंसर आता है तो इंग्लिश को कभी बैरियर मत बनने दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कुछ वर्ड हिंदी के बोल देंगे तो वो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, एक्चुअल में नेगेटिव इफेक्ट डालेगा ही नहीं, जितना आपका नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि अगर आप बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर, इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर अच्छे से। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है ये पॉइंट कि आप मिक्स कर सकते हैं, ना आंसर देने से कहीं बेटर है कि आप मिक्स कर लीजिए लैंग्वेज को अपनी, ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। हमेशा याद रखिए एक पॉइंट कि अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता है ना तो आप मत दीजिए, कभी भी रॉन्ग आंसर मत दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता नहीं है लेकिन बस मैंने कई सारे आंसर नहीं दिए हैं या मेरे कई आंसर पहले गलत हो चुके हैं, तो मैं अब तो वैसे इंटरव्यू से आउट हो चुका हूं, तो मैं इसका भी आंसर दे ही देता हूं, ठीक है ना, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है ना कि अगर आप पहले रिजेक्ट ना भी होने वाले हो तो भी आप 100% रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे उनको ये लगेगा कि आप बहुत बड़े झूठे हैं। क्यों क्यों लगेगा ऐसा? ऐसा इसलिए लगेगा कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग आंसर दे रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, आपकी जॉब का सवाल है तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कल को आप अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका एटीट्यूड शो करेगा, तो कभी भी रॉन्ग आंसर मत दीजिए, ठीक है। पर यहां पर एक और पॉइंट उठता है फिर, अगर मुझे किसी आंसर में डाउट है, ओके, अगर मुझे डाउट है तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डाउट के केस पे तो मैं आंसर देना चाहिए ना, हो सकता है वो आंसर सही हो आपका, तो फिर आप बकायदा परमिशन लीजिए, सर आई एम नॉट श्योर बट आई वॉन्ट टू ट्राई, ठीक है, आई हैव सम आइडियाज, ओके, तो इस तरीके से आप बोलिए। इससे अगर आप गलत हुए तब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप तो श्योर ही नहीं थे, और अगर सही हो गए तब तो आपको 100% मार्क्स मिल गए वहां पर, क्लियर अच्छे से। तो रॉन्ग आंसर मत दीजिए, लेकिन अगर डाउट हो तो जरूर आंसर दीजिए विथ परमिशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। तो जो पॉइंट नंबर 7 है वो ये है कि कभी भी अपने आप को नीडी मत शो करिए, ठीक है ना, नीडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कई बार ये होता है कि सर आई रियली वॉन्ट दिस जॉब, ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं और अपने आप को नीडी शो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो आपको बहुत कम सैलरी ऑफर कर देंगे, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको वो कहीं ज्यादा सैलरी देने वाले हों और आपको बहुत ज्यादा कम सैलरी दे के आपसे डबल काम निकलवा लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तब तो जॉब तो लगेगी ही नहीं क्योंकि वहां पर सैलरी ऐसी होती नहीं है कि कम ज्यादा हो सके, जो सैलरी फिक्स है वही मिलती है आपको। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा नीडी शो कर रहे हैं, सिचुएशन से हारा हुआ शो कर रहे हैं, तो वाई दे टेक यू ना, वो आपको कभी नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कभी भी ये मत बोलिए नीडी होने के कारण कि ये मेरी सर ड्रीम जॉब है, ठीक है, बस मैं इसी जॉब के लिए बना हुआ हूं, मैं इसी जॉब में आना चाहता था, और आपको ये भी नहीं पता है कि उस जॉब में है क्या, लोग करते क्या हैं, ठीक है ना। सपोज करिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आप बोलेंगे सर ये मेरी ड्रीम जॉब है, ठीक है, वो बोलेंगे चलिए डॉट नेट में एक प्रोग्राम लिख के दिखाइए, तो आपको डॉट नेट ही नहीं आती, जब आपकी ड्रीम जॉब है, आपका ड्रीम है, तो आप अपने ड्रीम के लिए अभी तक कुछ किए ही नहीं है क्या, ठीक है ना। आप सपोज करिए किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहां पर सैटेलाइट रिलेटेड रिसर्च होती है आपकी,
और आपको यही नहीं पता कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, तो आप ये मत बोलिए ना ड्रीम जॉब है, ठीक है? अनटिल अनलेस आपकी वाकई वो ड्रीम जॉब है, आपने बहुत ज्यादा स्टडी की हुई है, आप बचपन से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपको उसी जॉब में जाना था, तब आप बोलिए दिस इज माई ड्रीम जॉब, ठीक है? अगर नहीं है तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए, ठीक है ना? और जो ड्रीम जॉब की बात है वो मुश्किल से 1 या 2% लोगों की ही होती है, ठीक है? मैं यहां पर जनरलाइज केस ले रहा हूं 98% का, क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को नीडी नहीं शो करना है, ठीक है? ड्रीम जॉब ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि अगर मैं कुछ भी फेक ना दिखाऊं अपने आप को, ठीक है, कुछ भी ना बोलूं, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी? फिर इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां पर 1 से 2% आपको एनालाइज करते रहते हैं, ठीक है ना? वो हमेशा जानते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? और आप अपने सीवी के थ्रू शो करिए, आप अपने नॉलेज के थ्रू शो करिए, आप अपने मैनर्स के थ्रू शो करिए, आप अपने एटीट्यूड के थ्रू शो करिए, ठीक है ना? जो आपके पास नहीं है उसको झूठ बोलने से क्या फायदा है, ठीक है? क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो आपको हमेशा ट्रुथ बोलना है, ठीक है? फेक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? और बिल्कुल भी अपने आप को नीडी शो नहीं करना है, अपने अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, इस पॉइंट को समझना है, दिस इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। अगर ये जॉब नहीं भी लगी तो मैं और ट्राई करूंगा, इससे बेटर जॉब अचीव करूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपको साथ लेकर चलना ही होगा, ठीक है ना? आप कभी ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहां जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं मिलती। तो फिर आपको ये बात भी समझनी होगी, आज भी बहुत जगहों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मंथ के 5 लैक्स 10 लैक्स तक कमा रहे हैं, ठीक है? तो हर कोई इतना नहीं कमाएगा, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के लिए 20,000 पर मंथ भी बहुत अच्छी जॉब होगी, 10,000 पर मंथ भी बहुत अच्छी जॉब होगी। तो जॉब तो आपको जरूर मिलेगी अगर आपके पास नॉलेज है, आपका एटीट्यूड सही है, आपने लाइफ में कुछ किया है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना? अगर आपने कॉलेज में टाइम पास नहीं किया है, आप अपने स्टडी को सीरियस लिया है, तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये सारी क्वालिटीज आपको दिमाग में रखनी होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेक बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जा सकती है, नॉलेज वर्सेस एटीट्यूड। ओके, ये पॉइंट एक्चुअल में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं थोड़ा और एक बार डिस्कस करना चाहता हूं इस पॉइंट को, नॉलेज, ठीक है? देखिए, जैसा मैंने आपको मैनर्स वाले पॉइंट में भी कहा था कि मैनर्स और बॉडी लैंग्वेज आपके नॉलेज से कहीं बढ़कर है, ठीक है? देखिए, आपको इंटरव्यू में हर एक चीज का आंसर आता हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है? आपको जो आंसर नहीं आते थे उस समय आपका एक्सप्रेशन कैसा था, ये है आपका एटीट्यूड, ठीक है ना? आपको जब आंसर में डाउट था तो आपने क्या परमिशन लेके आंसर दिया कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई वॉन्ट टू से, ठीक है ना? क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बात बोली, ये है आपका एटीट्यूड, ठीक है? जब आपके 3 से 4 आंसर रॉन्ग हो गए या आप नहीं बता पाए तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये है आपका एटीट्यूड, ठीक है? जब आपसे कोई पजल या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है बट आपको अपना माइंड यूज करना है, ठीक है ना, तो आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपसे लास्ट में क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए बट आपकी अप्रोच क्या है, यह है आपका एटीट्यूड। मीन्स नॉलेज क्या है, ठीक है ना? नॉलेज कई बार यह भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें रटी गई हो, ठीक है ना? आपको बहुत सारी चीजें रटी हुई हो और उन्हीं को आप बोल दिए, ठीक है ना? और एटीट्यूड क्या हो सकता है आपके लिए, एटीट्यूड ये हो सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में रटने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम को अप्रोच करना होता है, ठीक है? क्लियर है पॉइंट अच्छे से? आपको टीम वर्क करना होता है, आपका ये भी एटीट्यूड चेक होगा कि आपने क्या आज तक लाइफ में कोई टीम वर्क किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, टीम वर्क, ठीक है ना? टीम वर्क आपके प्रोजेक्ट से शो हो सकता है, ठीक है ना? आप किसी स्पोर्ट्स में है तो उससे शो हो सकता है, ठीक है? तो ये नॉलेज, एटीट्यूड, ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नॉलेज। नॉलेज
होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप सपोज करिए अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हैं और आपने आज तक यही नहीं सुना कि सी लैंग्वेज क्या है, दैट इज नॉट गुड ना, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ना आती हो लेकिन आप में लर्निंग कैपेबिलिटी हो, ये एटीट्यूड अपना आप शो कर सकें कि आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा उनके लिए कि चलो भाई इसको अभी इतना ज्यादा नहीं आता है लेकिन ये लर्न करके अच्छे से करेगा परफॉर्म हमारी कंपनी में, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। नर्वसनेस, ठीक है, फेक एटीट्यूड, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज वर्सेस एटीट्यूड में मैं एटीट्यूड को यहां पर चूज कर रहा हूं, ठीक है। नॉलेज, मीडियम नॉलेज विद गुड एटीट्यूड विल गेट यू द जॉब, ओके। आप इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक कर जाएंगे, इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आपको हर एक आंसर नहीं पता होंगे, उस समय आप किस तरीके का रिस्पॉन्स करने वाले हैं, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी जॉब की ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ जॉब मीन्स जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप क्या सोचते हैं, आप फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। फ्यूचर प्लानिंग, ओके, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, आपकी जॉब की ड्यूरेशन क्या होगी, ये पॉइंट उनके थ्रू आप किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं उनको, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। क्यों, सपोज करिए आप इस तरीके से शो कर रहे हैं कि सर आई वॉन्ट टू बिकम IAS, ओके, क्लियर है पॉइंट, और आप किसी प्राइवेट कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो उनको ये बिल्कुल फिक्स रहेगा कि आप तो IAS बनना चाहते हैं, तो आप कभी ना कभी साल, दो साल, तीन साल में या तो प्रिपरेशन के लिए, या तो आप वाकई बन गए IAS तो आप जॉब छोड़ देंगे, ठीक है, या आपने शो कर दिया कि मैं भाई आगे स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, तब भी वो समझ जाएंगे कि आप साल दो साल में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अभी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा समझना होगा, जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं ना तो वहां पर स्टार्टिंग का कुछ पीरियड जो होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। एज सच उसको ट्रेनिंग का नाम ना भी दिया गया हो आपकी जॉब में, फिर भी आप जॉब में जाते ही परफॉर्म नहीं करने लगते हैं, आपको कुछ टाइम लगता है, ठीक है ना, पीक परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है एक्चुअल में, आप इस पॉइंट को दिमाग में रखिए, ठीक है ना। कंपनी आपका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही होती है उस टाइम, तो वो मंथ गए आपके जो आपने ढंग से अपना काम नहीं कर पाए आप, या आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाए, क्योंकि अभी आपको सीखने में टाइम लगेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सपोज करिए आपको 4 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड था, ठीक है, या आपको 4 मंथ्स लग गए अपने पीक वर्क तक पहुंचते पहुंचते, तो उसके बाद आपने सपोज करिए 10 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद जॉब छोड़ दी, तो एक्चुअल में ये कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है, और आप कितने टाइम तक कंपनी से जुड़ना चाहते हैं। ये आंसर बहुत ज्यादा एक्चुअली डिबेटेबल है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप फेक बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लान वाकई में अगर 1 या 2 साल है भी, ठीक है ना, पर आपने फ्यूचर नहीं देखा है ना, इसमें आप फेक नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपने फ्यूचर नहीं देखा है, आपने सोचा कि आप 2 साल बाद इस कंपनी को छोड़कर MBA करेंगे, सपोज करिए अभी आप 2 साल बात करने वाले हैं ना, तो आप मत बोलिए इस पॉइंट को, ठीक है ना। आप कुछ पॉइंट ही मत रखिए कि आप आगे जाके MBA करने वाले हैं, या आगे जाके आप फ्यूचर स्टडी करने वाले हैं, या आगे जाके आप IAS बनने वाले हैं, या प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो भी है, ठीक है ना, इस पॉइंट्स को आप रखिए ही मत, ठीक है ना। हमेशा कंपनी में ये शो होना चाहिए, ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, क्लियर है पॉइंट। इसमें आप बिल्कुल फेक नहीं होंगे, इस पॉइंट को दिमाग में रखिए। इसमें आपके एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होंगे, जैसा आप मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि आपके एक्सप्रेशन पढ़ने वाले वहां बैठे होते हैं एक दो, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल मत बोलिएगा, ठीक है ना। आप वो फ्यूचर में करने वाले हैं, आपने अभी तक किया नहीं है। हो सकता है कि इस कंपनी से जुड़ने के बाद ही आप इतना अच्छा ग्रो कर जाएं,
कि आप इसी फील्ड में ही रहना चाहें और कहीं जाना ही मत चाहें, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट शो करना होगा। अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ने आए हैं तब तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से शो करिए, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ने नहीं भी आए हैं, ठीक है ना, तब भी आप ये पॉइंट तो बिल्कुल मत शो करिए कि आप कुछ समय के बाद जॉब को छोड़ देंगे। डायरेक्ट कोई नहीं बोलता, ये पॉइंट आपको समझना होगा। आप कभी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि मैं 6 महीने बाद जॉब छोड़ दूंगा, पर आपके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाएगी कि आई वॉन्ट टू डू MBA आफ्टर 1 ईयर या आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IAS। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं कि ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी है कंपनी के इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। क्लियर। नाउ लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 जो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपके लिए हॉबी एंड वीकनेस। जो मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन में ना बोलिए, ठीक है, पर अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्या है या आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, तो पहले मैं हॉबी पर आता हूं। हॉबी के लिए आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है, क्या होता है ना, हमें हॉबी तो सोचनी होती है, हम कभी सीरियसली लेते नहीं है किसी चीज को। हॉबी सोचनी होती है, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, क्या है ना, क्रिकेट सबसे पॉपुलर है, हम सबको पता होता है क्रिकेट के बारे में, हम बोल देते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। वो भी जानते हैं इस बात को ना कि क्रिकेट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी बनाई है, ठीक है ना, वो सबको पता होगा। वो आपसे पूछेंगे क्रिकेट बॉल का वेट क्या होता है, ठीक है, क्रिकेट बैट के डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स वो आपसे पूछने लगेंगे क्रिकेट के बारे में, जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे अनलेस अदरवाइज आपने प्रिपरेशन अच्छे से की हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हॉबी मत बोल दीजिए। आपने बोल दिया माई हॉबी इज रीडिंग बुक, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे लेटेस्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी है बताइए, फिर वो आपसे पूछेंगे उनके ऑथर कौन थे, चलिए आपको ऑथर का नाम भी याद था, इन ऑथर को कोई अवार्ड मिला है क्या, आप सोचने लग जाएंगे, चलो ये भी आपको याद था, इन ऑथर की और कौन कौन सी बुक्स हैं बताइए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। तो इसलिए जो भी अपनी हॉबी बोलें उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। हॉबी कोई बहुत ज़्यादा हैवी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, जो भी जिसमें आपको बचपन से शौक रहा हो उसी के बारे में बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी बोलें उसके बारे में डिटेल नॉलेज जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर वीकनेस की, तो वीकनेस को आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को, क्या होता है वीकनेस ना, हम क्या बोलें आखिर। अगर हम बोल दें माई वीकनेस इज कि मैं बहुत जल्दी लर्न नहीं कर पाता हूं चीजों को, तो फिर तो आपकी जॉब लगने से रही, ठीक है ना, कभी नहीं मिलेगी आपको जॉब जब आप चीजों को लर्न ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप कॉलेज में पढ़े होते हैं वो आपका थ्योरिकल होता है, बहुत कम प्रैक्टिकल होता है। जॉब में आप बिल्कुल अलग ही काम करते हैं, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। वो नॉलेज जरूर रहता है आपके साथ जो आपने कॉलेज में स्टडी की है, लेकिन जॉब एक बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है, ठीक है, स्टडी और जॉब को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बोल दें आप लर्न ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां तो आपको पहले सब चीज सिखाई जाएंगी फिर ही तो आप जॉब करोगे, तो जब आप लर्न नहीं कर सकते हो तो आप फिर जॉब कैसे करोगे, ठीक है। तो ये ऐसी वीकनेसेस भी नहीं बोलनी है हमें, ठीक है ना। वीकनेस आप कोई भी बोलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपके लिए कि अगर सपोज करिए आपने कोई ऐसी वीकनेस बोल भी दी जो कि आपके बिल्कुल नेगेटिव चले जाएगी इंटरव्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो भी आप वीकनेस बोले उसे इंप्रूव करने के लिए आपने क्या किया है, ठीक है। ये वीकनेस आपकी अचानक से तो नहीं आ गई होगी, इस पॉइंट को समझना होगा आपको। ऐसा तो नहीं है ना कि आप आज इंटरव्यू देने आए हैं और कल ये वीकनेस पैदा हो गई, ठीक है ना। वो तो तभी होगी जब आपने कभी सोचा ही नहीं अपनी वीकनेस के बारे में, और आपने इंटरव्यू के एक दिन पहले सोच लिया कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या आंसर करूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि वीकनेस जो होगी वो आपकी बचपन से ही होगी या ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ से ही होगी, जब आपने स्टडी की होगी, ठीक है। तो आपने उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए किया क्या है आज तक, ये अगर आप डिटेल्ड बता सके, ठीक है ना, ये अगर आपने बता पाया कि मैंने ये कोशिशें की हैं अपने वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। सपोज करिए कि आप हिंदी मीडियम से थे, जब आप कॉलेज में एंटर किए वहां प्योर इंग्लिश
के थ्रू पढ़ाई होती थी, ठीक है। सपोज करिए आप बीटेक करने गए, इंजीनियरिंग करने गए, वहां तो प्योर इंग्लिश होगी, हर बुक्स इंग्लिश में होगी, ठीक है, आंसर भी आपको इंग्लिश में लिख रहे होंगे, आपने ट्वेल्थ तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो उसके बाद आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी चीजों को समझने में, ठीक है। तो आपने फिर उन चीजों के लिए क्या किया, कैसे इंप्रूव किया, और आज भी आप कैसे इंप्रूव करते जा रहे हैं, अगर आप इन चीजों को डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है ना। वीकनेस डिस्कस करिए, लेकिन आपने इंप्रूव करने के लिए क्या किया और आप काफी हद तक इंप्रूव कर चुके हैं, अगर ये पॉइंट आप वहां डिस्कस करें, ये पॉइंट अगर आप उनको कन्विंस कर पाए आप, तो वीकनेस भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी यहां पर मैं उस पॉइंट्स पे नहीं जा रहा कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितनी स्टडी करनी है, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए नहीं, वो आपकी कॉमर्स फील्ड के लिए नहीं, वो आपकी बायो फील्ड के लिए नहीं, वो आपकी आर्ट्स फील्ड के लिए नहीं, मैंने ओवरऑल एज अ कोई भी स्टूडेंट अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, बट यहां पर ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं अगर आप सक्सेसफुली क्रैक करना चाहते हैं इंटरव्यू को। मैं लास्ट में फिर से बोलूंगा, आप हर एक चीज का आंसर नहीं कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने पॉजिटिव हैं, ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी बातें ज्यादा मैटर करती है इंटरव्यू में, ठीक है। विथ नॉलेज, नॉलेज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, ओके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, डीजी मेंटो, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इंटरव्यू से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, आई विल आंसर। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक पर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ओके, थैंक यू।